आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सालय सुबाथू के तहत आने वाले पशु औषधालय कुठाड़ में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से आए मादा रोग एवं प्रसूति विज्ञान विभाग पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के एक दल ने पशुओं के लिए बांझपन उपचार शिविर का आयोजन किया, जिसमें बांझपन की बीमारी से ग्रसित लगभग 15 पशुओं की जांच करके उनका इलाज किया गया। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से आए वैज्ञानिकों ने मरीज पशुओं के विस्तृत अध्ययन के लिए इस शिविर में आई गायों के गर्भाशय द्रव्य, रक्त और गोबर के नमूने भी इकट्ठे किए और इस शिविर में आए पशुपालकों के बीमार पशुओं का निःशुल्क उपचार करके उन्हें दवाइयां और पोषक आहार भी वितरित किया। ये किस लिए लगवाए जाते हैं और लोगों को इसका कितना लाभ मिल रहा है? तक ये हमारे पास प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी में RKVY के अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो उसमें हम लोग थ्रू हिमाचल सिर्फ जो बांझ पशु हैं उनके लिए कैंप लगा रहे हैं, जिसमें किसी का पशु गर्भाता नहीं है या गाभिन नहीं हो पा रहा, जगह जगह जाके डिफरेंट पार्ट हिमाचल में किसी पशु को देखते हैं। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है हमारा, पीछे हमने सारा डाटा निकाला था, अभी पिछले 3-4 सालों में हमने कई 225-250 करीब कैंप लगाए, 5-6 हज़ार के करीब पशु देखे हैं, 50% से ज़्यादा ठीक हुई हैं या दोबारा से कैंप लगा, तो सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा है। तो लोगों का रुझान भी पशुपालन की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है, इन तरह की जिस तरह के कैंप्स लगते हैं लोग इसमें रुझान दिखा रहे हैं? रुझान अभी एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, पर हाँ ये थोड़ा ज़रूर है कि जो एक टेंडेंसी हो गई थी पशु छोड़ने की, गाभिन नहीं हो पाता, वो हमें लग रहा है कुछ कम हुआ है। पहले कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग कि डाइट दिखती नहीं है तो छोड़ दो उसको, आवारा पशु बहुत बन रहे थे, अब थोड़ा वो कम तो लग रहा है। बाकी से डिस्चार्ज निकाल के गोबर के सैंपल, ब्लड सैंपल भी ले जाते हैं, तो सारे हिमाचल में किस हिस्से में मिनरल डेफिशिएंसी क्या है वो हम लोग कवर कर लें, मतलब पता लग जाता है, डॉक्टर्स को ये कर देते हैं, तो डॉक्टर्स उनको फिर अकॉर्डिंग हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह के कैंप्स में सर कोई दवाई या कोई पोषक आहार भी वितरित किया जाता है? बिल्कुल, दवाई सारी फ्री है, बीमारी के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। हाँ ये ज़रूर है, हम बिना ऐसे दवाई नहीं दे रहे किसी को भी, जो पशु आता है उसको चेक करके दवाई देते हैं, मिनरल मिक्सचर है यूनिवर्सिटी के हमारे अच्छी क्वालिटी की, उस तरह से पशुओं को फ्री इलाज किया जा रहा है बीमारी के हिसाब से। इस शिविर में आए पशुपालकों ने पशुपालन विभाग का धन्यवाद करते हुए बताया कि इस तरह के शिविरों के आयोजन से पशुपालकों को भी पशुओं के रख रखाव और उनके सही पोषण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सर आज यहाँ पे पशुपालन विभाग की तरफ से जो कैंप लगा है, आपका कोई पशु यहाँ पर लेकर आए हैं? बिल्कुल जी, हम अपनी 2 गाय को लेकर आए थे। तो जो यहाँ पर डॉक्टर्स आए हैं वो किस तरह का डायग्नोज कर रहे हैं? बहुत अच्छा डायग्नोज और बता रहे हैं किस तरह की उन्होंने इनकी देख रेख भी करनी है, अब क्या क्या इन्होंने थोड़ा बहुत दवाई भी दी इनके पेट साफ करने के लिए, और काफ़ी अच्छी टीम चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के कैंप्स जब लगते हैं तो लोगों में जागरूकता आती है अपने पशुओं के प्रति? बिल्कुल जी आती है, हम तो मतलब सारे जितने भी कैंप लगते हैं इसमें आते हैं यहाँ पे, और डॉक्टर साहब ने 2 बार, 1 बार छोड़ के 2 बार मुझे कहा, और आज सुबह भी दोबारा फिर अभी गए थे कि गाय। सर आप इस कैंप में अपना पशु लेकर आए थे? हाँ जी। क्या पशु है आपका? गाय। कोई उसको बीमारी थी क्या? हाँ बीमारी दो दिन थी वो। अच्छा, तो जो यहाँ पर डॉक्टर आए उन्होंने उसका चेकअप किया? हाँ जी। तो आपको क्या दवाई वगैरह दी? दवाई। जिस तरह का चेकअप यहाँ पर हो रहा है आप लोग क्या संतुष्ट हैं इससे? संतुष्ट हैं। और इस तरह के कैंप्स लगने चाहिए गाँव में? इस शिविर में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से आए डॉक्टर मधुवीर सिंह, डॉक्टर प्रवेश कुमार, विजय राणा, पशु चिकित्सालय चड्डी से डॉक्टर राजेश आजाद, पशु चिकित्सालय गढ़खल से डॉक्टर नीरज शर्मा, पशु औषधालय कुठाड़ से राकेश कुमार, देवराज शर्मा, हरिदत्त शर्मा, लायक राम,
जगत राव, ललित शर्मा सहित स्थानीय पशुपालक मौजूद रहे। कुठार जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।